एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत से लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे और अर्चना कर रहे होंगे और जो जानते हैं कि हनुमान जी हमारी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। कोई भी, मतलब कोई भी, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, परेशान हो गए हैं, पूरी नहीं हो रही, तो एक बार हनुमान जी का आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो करके देख लीजिए। एक मंगलवार में ही आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। आपको बहुत सारे मंगलवार इसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मंगलवार आपको ये उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप ये हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ हनुमान जी की वो पूजा जो सिर्फ आपको एक मंगलवार करना है और एक मंगलवार करते ही आपकी जो भी मुश्किल से मुश्किल इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप सिर्फ एक मंगलवार इस उपाय को करेंगे और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बहुत सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती हूँ कि हम लड़कियां हैं तो हम हनुमान जी को नहीं छू सकते, हम ये उपाय नहीं कर सकते, हमारे यहाँ मंदिरों में लड़कियों का जाना नहीं हमें अलाउ किया जाता, या फिर उनका जो ऑरेंज सिंदूर है वो नहीं ले पाते हम। अगर ऐसी आप लोगों की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं आज आपके साथ सोल्यूशन बताने वाली हूँ। बट अभी आपको एक चीज, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। आप लोग मेरे वेबसाइट से क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स वगैरह खरीद सकते हैं जिनसे आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को फिनिश कर सकते हैं। यानी कि क्रिस्टल ब्रेसलेट इतने मैजिकल हैं, आपकी लव लाइफ को ठीक कर सकते हैं, आपका मनी इश्यूज को ठीक कर सकते हैं, आपकी हेल्थ लाइफ को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इनको पहनना है, सिर्फ आपको पहनना है लेफ्ट हैंड में और आप देखेंगे आप एकदम, मतलब सारी प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म हो जाएंगी। पर इनको पहनने के बाद आपको थोड़ा सा समय देना होता है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हम हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का एक ऐसा उपाय, इसमें क्या कर चाहिए आपको, ये उपाय मंगलवार को करना है। ठीक है, किसी भी अच्छे से देखकर, किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी मंगलवार को आप कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को आप कर सकते हैं। अगर आपको मुहूर्त की नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी मंगलवार को करेंगे। सुबह नहा धो के अपना कर लिया आपने, अब आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएंगे। तीन आपने लेने हैं पीपल के पत्ते। इस बात का ध्यान देना है कि जो पीपल के पत्ते हैं ना वो बिल्कुल भी कटे फटे ना हो, बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखना है। अब वो तीन पीपल के पत्ते आप अपने पास रखकर बैठ जाइए और हनुमान चालीसा एक बार कर लीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, आपने लेना है हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर, यानी कि वो जो ऑरेंज ऑरेंज सिंदूर होता है। अगर लड़कियों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं है तो आप पंडित जी से कह के थोड़ा सा मांग लीजिए। अब उस सिंदूर से आपने अपनी इस वाली उंगली, जिसमें जिससे हम तिलक लगाते हैं, जैसे अनामिका उंगली भी बोला जाता है, इससे आपने अपनी विश को तीनों पत्तों पर लिखना है। तीनों पत्तों पर आपको इस विश को लिखना है, उसी दिन करना है, उसी मंदिर में बैठ के आपको करना है। पहले आपने हनुमान चालीसा की सिंदूर लिया, सिंदूर से अपनी इच्छाओं को उस पर लिखा। ठीक है, अगर आप उंगली से नहीं लिख सकते तो आप किसी की मदद से लिख लीजिएगा अपनी, पर लिखना आपको उसी सिंदूर से है। अब आपको क्या करना है, एक पत्ता हनुमान जी के चरणों पर रखना है, एक पत्ता शिव जी जी के पास रखना है, शिवलिंग पर रखना है, और एक पत्ता अपने घर के मंदिर में रखना है। अगर आप घर में ये किसी को नहीं दिखाना चाहते, इस विश को नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसे फोल्ड करके मंदिर में कहीं भी छुपा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, और कहीं नहीं रखना। आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि मैम अगर मंदिर में नहीं रख सकते तो हम कहाँ रख सकते हैं, तो मंदिर में ही आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी कोई स्पेशल जगह नहीं है जहां पे इसको आपको उठाकर रखना है, मंदिर में इसको आप अच्छे से छुपा दीजिए। मंदिर में बहुत बड़ा मंदिर होता है, छोटे मंदिर में भी होता है तो भी आप आराम से छुपा सकते हैं। बस अब उसको वैसे ही रखे रहने दीजिए और कुछ मत कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे, अगर आपकी कोई भी छोटी विश है, जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, छोटी विश है तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। लव मैरिज के लिए पार्टनर एग्री नहीं हो रहा, या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रहा, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है पति का, वो खत्म करना है, या पति ध्यान नहीं देता, पति प्यार नहीं करता, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। देखिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो एकदम से ठीक नहीं होंगे, बट धीरे 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 वो भी ठीक हो जाएंगे, तो इस चीज को आपको देखना है। ये सारी चीजें आप करते रहिए, बस एक बार एक मंगलवार करना है और उसके बाद भूल जाना है, आपकी विश जल्दी पूरी हो जाएगी। विश पूरी होने के बाद वो जो पत्ते आपने रख, दो जो रखे हैं वो तो रखे ही होंगे,
उसके बाद आपके पास जो मंदिर में पत्ता है उसको आप किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं उस जो पत्ता है कोई फ्लोइंग वाटर आपके आसपास हो तो वहां पे आप बहा सकते हैं। ये था एक छोटा सा उपाय जिसे आप करने के बाद, ये सटीक उपाय बता रही हूँ, सटीक टोटके हैं ये, जिन्हें करते ही आपकी विश जरूर पूरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।